नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कैलकुलेटर की मदद से रेशियो की वैल्यू निकालना सीखेंगे, वो भी एक ट्रिक की मदद से। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी कैलकुलेटर्स की कोई भी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो आप उस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, हमें रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा एक क्वेश्चन है, वो हम इसे सॉल्व करके आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ट्रिक सीखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम रियल लाइफ में एक्चुअली रेशियो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो रेशियो निकालना होता है उसका हम टोटल करते हैं। तो ये तो दोस्तों हमें पता ही होता है। तो हम 3 + 4 + 8 अगर प्लस करते हैं दोस्तों, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 15। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 10,000 को, क्योंकि हमें 10,000 का रेशियो निकालना है, 10,000 को डिवाइड करते हैं 15 से, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों 3 से, क्योंकि हमें फर्स्ट जो रेशियो निकालना है वो 3 निकालना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और हम इक्वल्स टू प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आ जाता है और हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। फिर हम वापस से वही स्टेप वापस करते हैं, 10,000 को डिवाइड करते हैं 15 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि है 4, फिर हम इक्वल्स टू प्रेस करते हैं और फिर हम आंसर लिखते हैं। उसके बाद हम फिर से 10,000 करते हैं, डिवाइड करते हैं 15 से और मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो हम 8 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऐसे हम रियल लाइफ में दोस्तों रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों, ये कितना एक लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पर दोस्तों, चलो मानता हूँ कि यहाँ पर जो 3 ही रेशियो निकालना है, अगर मान ली कुछ ज़्यादा रेशियो निकालना हो, यानी कि 3:4:8:5:6, तो हम इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि हम कैसे बिल्कुल आसानी से रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा कि हमें यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा सम का और इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, 10,000 डिवाइड बाई 15। अब दोस्तों, अब यहाँ से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। दोस्तों, इधर से आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मल्टीप्लिकेशन साइन दबाना है, लेकिन अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपके पास कैशियो कैलकुलेटर है तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन 2 बार प्रेस करना है, और अगर आपके पास कैशियो कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 बार ही मल्टीप्लिकेशन साइन दबाना है। तो यहाँ पर मेरे पास कैशियो कैलकुलेटर है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन साइन 2 बार दबाऊंगा। तो आइए दबाते हैं 1 और 2। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर आपको वैल्यू देखनी है। यहाँ पर आपको 3 की निकालनी है रेशियो, तो हम यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे। हमारे पास दोस्तों आंसर आ जाएगा, हम आंसर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि है 4। तो हम डायरेक्टली कुछ करे बिना हम डायरेक्टली 4 प्रेस करेंगे और इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम वापस से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि है 8। हम डायरेक्टली यहाँ पर 8 प्रेस करेंगे और इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आप पेपर, अगर आप एग्ज़ाम में हैं, तो आपका एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बच जाता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई कैलकुलेटर के अंदर कोई और प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।